हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज आगाज हो गया और विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत नियमों और परंपरा के मुताबिक राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अभिभाषण आज विधानसभा के अंदर दिया और इस अभिभाषण में बताया गया कि बीते एक साल में तमाम कठिनाइयों के बावजूद किस तरह सरकार ने आम जनता के हित के लिए काम किया है। मुख्यतः चार पांच बिंदुओं पर अभिभाषण ये बेस्ड रहा और चार पांच बिंदुओं पर राज्यपाल ने चर्चा की और सदन को जानकारी दी कि बीते एक साल में राज्य सरकार की ओर से क्या क्या काम किए गए हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि आपदा के दौरान राज्य सरकार ने बेहतरीन काम किया। हिमाचल प्रदेश में जब आपदा आई तो यहाँ पर हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन जब सवाल ये खड़ा हो गया था कि अब लोगों तक राहत कैसे पहुँचाई जाए, उस दौरान भी राज्य सरकार ने विकट आर्थिक परिस्थिति के बावजूद लोगों तक राहत पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा सुखाश्रय योजना का इसमें जिक्र किया गया, सुखाश्रय योजना जिसमें राज्य सरकार ने ऐसे बच्चों को, निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहा है, जो बच्चे जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, राज्य सरकार उन्हें कानून के जरिए का अधिकार देने की बात कर रही है। प्रदेश में ऐसे हज़ारों बच्चों की संख्या है जिन्हें राज्य सरकार हर महीने का भत्ता भी दे रही है और हर वो सुविधा दे रही है जो बच्चों को मिलनी चाहिए। इस योजना का भी अभी भाषण में जिक्र हुआ है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीते साल ग्रीन बजट की बात की थी, ग्रीन एनर्जी स्टेट हिमाचल प्रदेश को बनाने की बात कही गई थी, वो भी अभी भाषण में हमें नज़र आया। और एक साल में क्या क्या इस चीज़ को लेकर हुआ है, ग्रीन एनर्जी स्टेट के मामले में सरकार ने अब तक क्या क्या किया है, यह भी अभी भाषण में हमें सुनाई दिया। इसके अलावा राज्यपाल ने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश में सरकार लगातार बेहतरीन काम करती हुई नज़र आ रही है। हाल ही में सरकार ने एक राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत की है और 680 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड दिया गया है और अलग अलग योजनाओं के अलग अलग चरणों में इस योजना को लागू किया जाना है और राज्य सरकार इसमें भी बेहतरीन काम कर रही है। ये वो चार पाँच ऐसे मुख्य बिंदु थे जिस पर राज्यपाल का भी भाषण केंद्रित रहा। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह मीडिया से मुखातिब हुए और मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साल में उनकी सरकार ने बेहतरीन काम किया और ये अभिभाषण ये बताता है कि एक साल में तमाम विकट परिस्थितियों के बावजूद, तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार ने किस तरह का काम किया है। मुख्यमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया से लेकर दी और उन्होंने राज्यपाल के सम्मान के साथ एक बात कही कि ये जो अभिभाषण था ये झूठ का पुलिंदा था और राज्य सरकार ने एक साल में कोई भी काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को अभिभाषण पढ़ना होता है जो सरकार की ओर से पारित होकर राज्यपाल के पास पहुंचता है और इसलिए राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा, लेकिन सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जो 10 गारंटियों की बात की थी, जो सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, उनका जिक्र अभिभाषण में नहीं किया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह भी कहा है कि अब दो दिन तक, जो आने वाले दो दिन तक चर्चा होगी अभिभाषण पर, उस पे परत दर परत ये बात खोली जाएगी और जनता के सामने रखी जाएगी कि राज्य सरकार ने एक साल में सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की है, ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नज़र नहीं आया है। तो अब जो आने वाले दो दिन रहने वाले हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के, वो काफ़ी हंगामेदार रहेंगे और हमें हंगामा नज़र आएगा और हंगामा देखने के लिए मिलेगा। दो दिन तक इसमें चर्चा होनी है और इसके बाद 17 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह बजट पेश करेंगे और इससे पहले सप्लीमेंट्री बजट भी पेश होगा, क्योंकि जो बजट कमी रह गई थी, क्योंकि 53,413 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया था 2023-24 के लिए, तो जो अतिरिक्त खर्च होता है उसके लिए सरकार सप्लीमेंट्री बजट लेकर आती है और हर साल ऐसे ही जो सप्लीमेंट्री बजट है उसे लाने की परंपरा है। 17 फरवरी को बजट पेश होगा, मुख्यमंत्री का लकी नंबर है। हमने आपको पिछली वीडियो में भी जानकारी दी थी कि 1 और 7 को जब हम जोड़ते हैं तो उसका कुल योग 8 बनता है और ये 8 ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का लकी नंबर है और इसी दिन बजट पेश होने वाला है। ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि किसानों और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है और ये बजट भी उसी की परिकल्पना पर हमें आधारित नज़र आएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।